गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग अभी TGT का तैयारी कर रहे हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, GIC देना चाहते हैं, या LT की परीक्षा देते हैं, या कोई भी होम साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं, तो उसमें ध्यान रखें। बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम कैसे तैयारी करें कम समय में। मेरे प्यारे बच्चों, समय कम है या अधिक है, जितना भी तैयारी करें सॉलिड तैयारी करें। किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी मैटर को हल्का में ना लो। पहला बात तो यही है। मानव जीवन में आप देखते हो, एक चींटी भी हाथी को परेशान कर सकता है। उसी तरह से एक छोटा क्वेश्चन जिसको आपने नज़रअंदाज कर दिया है, अगर वह क्वेश्चन आ गया और उसका आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए, तो नंबर क्या होगा आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, आज मैं इन बातों में ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगी, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगी। आज के इस प्रश्न में मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रश्न आप लोग के समक्ष लेकर के आई हुई हूँ, जिसमें सेल और टिश्यू से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी और उसका आंसर भी मैं साथ के साथ बता दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में समय बर्बाद ना हो। कुछ क्वेश्चन मैं अनुत्तरित छोड़ दूंगी, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो चलो, पहला प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। प्रोटीन का कारखाना कहलाता है, किसको कहते हैं प्रोटीन का कारखाना, बताओ। ऑप्शन है लाइसोजोम, राइबोजोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। द करेक्ट आंसर इज राइबोजोम। राइबोजोम को ही हम प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। इसमें 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। मैंने सेल को, कोशिका को कई बार पढ़ाया है, कई बार प्रश्नों को पूछा है, तो आप पहले कोशिका को, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, कोशिका क्या होती है, इसका आवरण कैसा होता है, प्रोटीन के कारखाना किसको कहते हैं, ADP ऊर्जा को ATP ऊर्जा में कौन बदलता है, सारा डिटेल्स पढ़ाए हुए हैं, तो आपको पीछे जाकर के देखना। दूसरा क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वो क्या। ऑप्शन आपके पास 4, अवांछित पदार्थों का अपघटन, दूसरा है अस्टीरॉयड का संश्लेषण, तीसरा है जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, और चौथा है तर्कु का निर्माण करना। प्रश्न फिर से पूछती हूँ, अंतः प्रद्रव्य जालिका का काम है अवांछित पदार्थों का अपघटन करना, पहला ऑप्शन, दूसरा है अस्टीरॉयड का संश्लेषण करना। अस्टीरॉयड तो आप जानते होंगे, अस्टीरॉयड नाम सुना है ना, तो उसका संश्लेषण करना, या जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, या तर्कु का निर्माण करना। ये 4 ऑप्शन है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज अस्टीरॉयड का संश्लेषण करना, अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी वस्तुओं को कोशिका के अंदर आने से रोकने तथा कोशिकीय वस्तुओं को बाहर जाने से रोकने का काम करता है, क्या प्रश्न है। बाहरी वस्तुओं को, जो भी बाहर की वस्तु है, वह कोशिका के अंदर नहीं आने पाए, और जो कोशिका के भीतर की वस्तु है वह कोशिका से बाहर नहीं जाने पाए, किसका काम है। आपके पास ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, या गोल्जी बॉडी। विच वन इज द करेक्ट आंसर, क्या सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल है, कोशिका झिल्ली, कोशिका का एक आवरण, कोशिका का एक
दीवार समझो, जो न बाहर की वस्तु को अंदर आने देता है और न ही अंदर की वस्तु को बाहर जाने देता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। वल्याकार रेटिकुलम, एनुलेटेड रेटिकुलम अंग्रेजी में वल्याकार रेटिकुलम कहलाता है। वल्याकार रेटिकुलम कहलाता है कौन सा? चिकने पृष्ठ वाला रेटिकुलम, रुक्ष पृष्ठ वाला रेटिकुलम, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? वल्याकार रेटिकुलम कहलाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? चिकने पृष्ठ वाला रेटिकुलम, रुक्ष पृष्ठ वाला रेटिकुलम, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज द करेक्ट आंसर? चिकने पृष्ठ वाले रेटिकुलम को हम वल्याकार रेटिकुलम भी कहते हैं, इसको हम माइलॉइड बॉडीज भी कहते हैं। यह मैच्योर ऊसाइट्स में वल्याकार दिखाई पड़ता है। वल्य मतलब क्या होता है? रिंग की तरह, छल्ले की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण संतान तक करता है। वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण संतान तक करता है, कौन करता है? ऑप्शन आपके पास न्यूक्लियोलस, या केंद्रक, या क्रोमोजोम, या केंद्रक द्रव्य। कौन करता है बोलो? करता है वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर क्रोमोजोम में उपस्थित जो जीन्स होते हैं वही करते हैं। कहते हैं ना, जैसा बाप होगा वैसे ही तो बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, कहते हैं, है ना? आप लोग सुना, हम लोग भी सुनते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो शक्ल माँ पर गया है, या पिता पर गया है, या दादा पर गया है, दादी पर गया है, तो जीन्स ही है जो ट्रांसफ़र होते रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। किसे मिलता है? क्रोमोजोम्स में। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज की थी किसने? की थी क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज की थी किसने? की थी रॉबर्ट ब्राउन, जेई प्रकिंजे, डब्ल्यू वाल्डेयर, या क्लाउडी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। चलो, और कोशिका की खोज किसने की थी? आपको पता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगी। किसने किया था कोशिका का खोज? आप लोग बताओगे मुझे, कोशिका की खोज सबसे पहले किस ईस्वी में किसने किया था? ये अनुत्तरित प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन और सुनो, एक कोशिका से संबंधित प्रश्न है। अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। मैं क्या पूछ रही हूँ? अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है वायरस में, बैक्टीरिया में, मनुष्यों के लाल रक्त कणिकाओं में, या उपरोक्त सभी? बोलो, अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है वायरस में, बैक्टीरिया में, मनुष्यों के लाल रक्त कणिकाओं में, या उपरोक्त सभी? क्या है क्वेश्चन और क्या है आंसर? आपने पढ़ा होगा तो, जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है जो स्केलेटन की तरह सेल की काम करता है, वह नहीं पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, नहीं पाया जाता है वायरस में। याद हो जाएगा, वायरस, बैक्टीरिया और आरबीसी में अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्रद्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, जिनमें
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कम होती है, जिनमें लिपिड संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, जिनमें लिपिड संश्लेषण की क्रिया कम होती है। कई बच्चे हमसे पूछते हैं, मैडम बोर्ड पर लिख के बताइए। बेटा अगर बोर्ड पर लिखने लगूंगी तो कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। मैं घर का भी काम करती हूँ, कॉलेज का भी काम करती हूँ, सामाजिक काम भी करती हूँ, धार्मिक काम भी करती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं। इसलिए जितना समय मेरे पास बचता है उस समय में ही आपको अपने में से समय चुराती हूँ। मैं परिवार में चुरा नहीं सकती, कॉलेज में चुरा नहीं सकती, किस पर चुराऊँगी, मैं स्वयं में या भगवान में, उनका समय काट करके मैं आपको दे रही हूँ। सोचती हूँ चलो पूजा बाद में कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाना ही मेरा एक पूजा है, इनको पढ़ा देंगे तो मेरा पूजा हो गया। तो चलो बताओ, अंतःप्रद्रीय जालिका उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। सेल मैंने पढ़ाया था, तब पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोजेम्स की कुछ कुछ कणिकाएं भी पाई जाती हैं। ये ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल्स में। तो जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है उनमें अंतःप्रद्रव्य जालिका की मात्रा भी अधिक होती है या संख्या भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल्जी बॉडी को कहा जाता है, गॉल्जी बॉडी को कहा जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम या अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बोलो? गॉल्जी बॉडी को कहते हैं हम लाइपोकॉन्ड्रिया, इसका दूसरा नाम लाइपोकॉन्ड्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का विभाजन केंद्र है, कोशिका जब विभाजित होती है, एक कोशिका दो भागों में बंटती है तो उसका केंद्र क्या है, ये पूछ रही हूँ। सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक। बोलो, कोशिका का विभाजन केंद्र है सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम या केंद्र। करेक्ट आंसर है सेंट्रोसोम। करेक्ट आंसर क्या है? सेंट्रोसोम। चलो बहुत इजी क्वेश्चन, जिससे थोड़ा भी सेल पढ़ा होगा करेक्ट आंसर दे देगा, इसको मैं आंसर नहीं बताऊंगी। आत्मघाती थैली कहलाती है, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, किसको कहते हैं सुसाइडल बैग, बताओ आप। ऑप्शन भी नहीं दे रही हूँ अभी, मैं अपने आप बताओगे, मुझे पता चलेगा मेरे कितने बच्चे सिंसियरली पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या मेरा जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ वो सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदलने का काम करता है केंद्रक, ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऊर्जा को एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने का काम करता है, कौन कर रहा है, केंद्रक कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है या लाइसोसोम कर रहा है, कौन कर रहा है बताओ, इस काम को कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है, गतिज मीन्स वो सक्रिय ऊर्जा में, जो इनएक्टिव एनर्जी था उसको एक्टिव एनर्जी में बदल देता है। एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदलता है। एक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन तो बता ही दिया शक्ति गृह किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने बता दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं पूछूंगी,
चलिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। वो ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है ग्लाइकोजन उपापचयन, यांत्रिक अवलंबन देना, तीसरा है जीव द्रव्य को सुरक्षा करना, चौथा है केवल ऑप्शन एक और दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है ग्लाइकोजन उपापचय मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यांत्रिक अवलंबन देना मतलब सहारा देना मैकेनिकल सपोर्ट देना, या जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, या केवल एक और दो, कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज 1 और 2। ग्लाइकोजन उपापचयन करना भी अंतःप्रद्रव्य जालिका का काम है, और दूसरा होता है कोशिका को यांत्रिक अवलंबन देना। कोशिका अपने शेप में जो रहता है, अपने आकार में रहता है, अपने स्वरूप को बनाए रखता है, इसके पीछे अंतःप्रद्रव्य जालिका का ही काम है। जैसे अपना गाल है, गाल को जो शेप मिला है वो हड्डियों के कारण, तो ये किसकी है? हड्डी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के लिए। नाक को एक शेप दिया है ना, कठोर नाक है, तो कोई कौन दिया? हड्डी दिया है और कार्टिलेज दिया है। इसी तरह से ये आप देखते हो ललाट को एक शेप मिला हुआ है, हमारे चेहरे को एक शेप मिला हुआ है, हमारे कान को एक शेप मिला हुआ है, हमारे उंगलियों को एक शेप मिला हुआ है। तो इसी तरह से कोशिका को जो एक आकार मिला है, एक स्वरूप मिला है, वह यांत्रिक अवलंबन देता है, अन्यथा कोशिकाएं कैसे होंगी? जैसे मान लो कि अब इसमें हड्डियां नहीं रहती तो हमारा कैसा होता? लुंज पुंज शरीर हो जाता, होता ना लुंज पुंज। लेकिन क्या है, वो हड्डियां हैं जो इसको एक ढांचा प्रदान कर रहा है, एक आकार प्रदान कर रहा है, एक स्वरूप प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका को एक यांत्रिक अवलंबन प्रदान करता है, साथ ही ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, काम करता है। नेक्स्ट, कोशिका का एटम बम किसको कहते हैं? कौन है कोशिका का एटम बम? बोलो, लाइसोजोम, राइबोजोम, गॉल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया? कौन है कोशिका का एटम बम? कोशिका का एटम बम कहते हैं लाइसोजोम को। लाइसोजोम अगर गुस्सा करेगा ना तो पूरी कोशिका को निगल जाता है, तो क्रोधित हो जाता है वो, और बहुत सारे उसमें, एक नहीं सैकड़ों उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो निष्क्रिय चीज है, जो कोशिका के लिए खराब है, उसको तो डाइजेस्ट करता ही है, और उसके भय से समझो, उसके डर से समझो। जैसे आपके दादाजी के डर से आप पढ़ते हो, काम करते हो ना, मम्मी के डर से आप काम करते हो कि नहीं करते हो? घर में कितनी उत्पात मचने लगे, घर में माँ नहीं रहे घर में, तो इसी प्रकार से अगर लाइसोजोम नहीं रहेगा सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, राइबोजोम भी ठीक से नहीं करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ठीक से नहीं करेगा, केंद्रक भी ठीक से नहीं करेगा। लाइसोजोम सबको डरा के रखता है, मान जाओ पुलिस की तरह पहरेदारी करता है, चौकीदारी करता है, अगर किसी ने गड़बड़ी किया निकल जाऊंगा सीधे, ऐसा हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ता है वो, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, दूसरे जो सेल ऑर्गेनिज्म है, उससे कोशिकांग है, वो सब डर के मारे काम करते हैं। तो कोशिका का एटम बम है लाइसोजोम। कौन है कोशिका का लाइसोजोम एटम बम? एग्जाम्पल होगा लाइसोजोम, वो गुस्सा करता है तो पूरे कोशिका को ही निकल जाता है, वो नहीं देखता है कि कोशिका से निकल जाऊंगा तो नुकसान होगा, उसको गुस्सा आती है तो खा ही जाता है पूरा, है ना, राक्षस ही समझो इसको, एटम बम ही यही है ना। कोशिका का एटम बम कौन है? तो लाइसोजोम। अच्छा, एक क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक का काम है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, पहला ऑप्शन, दूसरा है सुरक्षा करना, तीसरा है उत्सर्जन करना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्या 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 करेक्ट आंसर है बताओ। संयोजी उत्तक का काम है एक अंग को दूसरे अंग को जोड़ना, संयोजक मतलब जोड़ना, मिलाना, कनेक्ट करना, इसलिए इसको अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चलो, शरीर का भोजन गृह किसे कहते हैं? शरीर का भोजन गृह किसे कहा जाता है बोलो? शरीर का भोजन गृह किसको कहते हैं? वशीय उत्तक, वर्णकी उत्तक, जालमय उत्तक या कंकाल उत्तक? छोड़ दिया दोनों क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन छोड़ा आपको। शक्ति गृह किसको कहते हैं और शरीर का भोजन गृह कौन है? एक क्वेश्चन और पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है अब तो। चलिए मैं अब अपने ये शब्दों का ही विराम देती हूँ और अब जाने की मैं तैयारी करूँगी, कॉलेज जाऊँगी और जितना समय बचता है आप लोग को देती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है सर तो सर प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ साथ, तब तक तो जाने की इजाज़त। बाय बाय।